8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। उन्होंने कहा था कि एक काले धन के खिलाफ, करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कदम है। करप्शन और काले धन पे कोई असर नहीं पड़ा है, एक नई ब्लैक मार्केट तैयार हुई है पैसे को बदलने के लिए। चोट लगी है हमारे कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को, किसान के पास बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है, छोटा दुकानदार उसके पास कैश नहीं है, लेबरर्स उनके पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 30 तारीख को सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा था अगर 30 तारीख को सब कुछ ठीक नहीं होगा तो मैं जवाब दूंगा। 30 तारीख आने वाली है, सिचुएशन वैसी की वैसी है, लोगों को राहत नहीं मिल रही। तो सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन का जो लक्ष्य था वो बिल्कुल फेल हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन है, कुछ ही दिन बाद, उनके कहने के कुछ ही दिन बाद आतंकवादी मारे गए, उनके जेब में से 2000 रुपए के नोट निकले। उन्होंने कहा काउंटरफिट पैसे के खिलाफ है। हमने पूछा कितना काउंटरफिट पैसा है, पता लगता है 2 रुपए, 100 रुपए में से 2 पैसे काउंटरफिट। तो प्रधानमंत्री को अब जवाब देना है कि जो मुश्किलें हमारे लोगों को सहनी पड़ रही हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। जो हमने सवाल पूछा बेरोजगारी पर, और उनके सरकार ने लोगों ने कहा कि 7 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने बात उठाई है अपने भाषण में उठाई है, 15 अक्टूबर 2013 इनकम टैक्स की रेड होती है आदित्य बिरला ग्रुप, वहां उनके रिकॉर्ड में, उनके वाइस प्रेसिडेंट की ईमेल में लिखा है कि 25 करोड़ रुपए हमने गुजरात सीएम को देने हैं, 12 करोड़ हो गए बाकी देना। सहारा डायरी में, सहारा के डॉक्यूमेंट्स में 9 बार प्रधानमंत्री के नाम निकलते हैं, 9 बार 40 करोड़ रुपया 6 महीने में इन्होंने कहा है कि इन्होंने प्रधानमंत्री को दिया है। तो देश को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, मगर जो उनके ऊपर सवाल आ रहे हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री को इसके बारे में जवाब देना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन का सच्चा लक्ष्य क्या था, और जिनको चोट लगी है उनके लिए प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। धन्यवाद।